हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास टेंथ वालों के लिए। दोस्तों, जितने भी छात्र यहां पे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं 2023 वालों के लिए, दोस्तों यहां पे मैथमेटिक्स का दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस पेपर लेकर आए हैं। फुल मार्क्स 100 रहेंगे दोस्तों। फर्स्ट शाब्दिक परीक्षा जो छमाही होता है दोस्तों, वो सब आप लोगों का एग्जाम्स यहाँ पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। सेम तरह के क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, हर एक जिला वाइज, हर एक स्कूल वाइज रहते हैं, तो इसी तरह के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और ये सारे पूछा हुआ है, तो आप लोग जरूर एक बार जरूर इसको कॉपी कलम लीजिए और बनाइए दोस्तों, और कितना आप लोग का सही है मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ दोस्तों, इसी तरीके के और भी कई सब्जेक्ट के यहाँ पर आप लोग को आंसर की है ना मॉडल सेट की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों 2023 के बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जितने भी छात्र आने वाले बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम लोग नए वीडियोज लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिला करेगा, ठीक है ना। चलिए, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं दोस्तों, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अभी एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो मैं आप लोगों को डाउनलोड करने का लिंक भी दे रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है इसी चैनल के नाम से, starkstudy.com, आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो दोस्तों, हर एक चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और साथ ही मॉडल सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न यहाँ पे आप लोग को, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है आप लोग को, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा। देखिए दोस्तों, मैथ्स का यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाग लेगा a बराबर बी क्यू प्लस आर में, q का मान 0 तब होगा जब। देखो दोस्तों, यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है ना, यहाँ पे q का मान 0 है दोस्तों, तब यहाँ पे कौन सा कंडीशन यहाँ पे लागू होगा? जब a बराबर बी और q के मान के 0 रखेंगे प्लस आर, तो इसका मान तो ऑलरेडी 0 हो गया, तो a बराबर आर ना होगा। देखते हैं ऑप्शंस में है या फिर नहीं, तो a बराबर आर कहीं है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगाएंगे, एक का सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों को 60 क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, जिसमें आप लोग को 50 का ही जवाब देना है ना OMR सीट पे एग्जाम्स में। दूसरा क्वेश्चन है 125 बराबर 15 × 8 + 5, तो 125 का 100 कितने के बराबर होगा? देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को आंसर बताते चलूँगा, ठीक है ना। आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे तो आसानी से टिक करते चलोगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। फोर्थ नंबर है कि भाग लेगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, 100 a, b बराबर 100 कितने के बराबर, तो b, r हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे यहाँ पर 4 का। फिफ्थ नंबर है दोस्तों, a और b सह अभाज्य कहलाते हैं यदि 100 a और b a, b बराबर है। देखिए दोस्तों, सह अभाज्य संख्या जितने भी होते हैं ना, उस सभी का 100 हमेशा एक ही होता है ना। जैसे आपको कोई भी सह अभाज्य 3, 3, 10 हो गया, ये सह अभाज्य संख्या है दोस्तों। 2, 9 हो गया, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होते हैं ना, कॉमन नहीं होते, उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी 1। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि साइन ए का मान, देखिए दोस्तों इसमें मिस्टेक्स लग रही है, यहाँ पे कुछ तो होना चाहिए तभी तो ये इस क्वेश्चन को हम बना पाएंगे, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स लग रही है यहाँ पे, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 6 नंबर, किसी भी प्रश्न में अगर डॉट लगे दोस्तों, तो उस क्वेश्चन को आप लोग को टच भी नहीं करनी है। 7 नंबर है कि यदि टेन ए का मान 3/4 है, तो कॉट ए का मान, तो जानते हैं हम लोग दोस्तों टेन ए का जो मान होता है ना, वो उल्टा होता है 1/cot 1 के, ठीक है ना। तो उल्टा कर दो, 3/4 को क्या करेंगे, 4/3 कर देंगे, तो ये cot a के बराबर आ जाएगा मान, तो ये 4/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 8 नंबर, यदि tan q का मान 4/3, तो sin q cos q का मान क्या होगा, तो ये p/b होता है ना, तो यहाँ से h का मान निकाल के हम लोग sin q में p/h प्लस b/h जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपको 4×3 = 7, 7/5, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 7/5। काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और इसी तरीके का आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में भी रहने वाले हैं ना, थोड़ा सा घबराना नहीं है दोस्तों। बहुत सारे छात्र घबरा जाते हैं एग्जाम से पहले बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, आप आसानी से दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न को हल कर पाएंगे एग्जाम्स में भी, है ना। यदि टेन ए का मान 12/5 है, तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये, p/b दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से h का मान निकालेंगे, तो h का मान 13 आ जाएगा, तो साइन a का मान p/h, ये 12/13 ऑप्शन नंबर b के साथ चलेंगे 9 का। 10 नंबर है दोस्तों, कहा गया है साइन q किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा या फिर q कोई भी यहाँ पे है, तो इसका मतलब हो जाता है लम्ब बटा कर्ण, p/h परपेंडिकुलर / हाइपोटेनस, मतलब लम्ब बटा कर्ण, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे 10 का।
11 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए इसमें भी एक्स वाई इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए ऑप्शंस में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है दोस्तों, मतलब कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हमको टच भी नहीं करना, क्योंकि ए वाले में भी कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं ना, तो जिसमें भी आपको कुछ अधूरा लगे क्वेश्चन को उसको छोड़ देना है, ठीक है। 12 नंबर है कि त्रिघाती बहुपद के सुनकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो टोटल 3 होती है। द्विघात बहुपद 2x² + 5x + 2 के सुनकों का गुणनफल कितना होता है, तो यहाँ पे 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4 हो जाएगा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे तो ऑप्शंस में 4 कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको कितना बताओ, इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों सुनकों का गुणनफल क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा होता है एक, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे सुनकों का गुणनफल सी अपॉन ए, तो सी के जगह पे कितना है 2 और ए के जगह पे 2, तो 2 से कट गया था 1 बचा ना, देखते हैं ऑप्शन में है कहीं, 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। 14 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान देखिए माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी के जगह पे यहाँ पे कितना है माइनस 1 और एक ए के जगह पे 2, तो माइनस 1/2 ऑप्शंस में है क्या, 1/2 तो है लेकिन एक माइनस 1/2 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइनस में होगा है ना, बहुत सारे छात्र यहाँ पे प्लस में लगा देते हैं जो गलत हो जाता है, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। अगला है दोस्तों 15 नंबर का आ गया है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख का रूप, देखिए जितने भी द्विघाती बहुपद है ना सभी का आलेख जो है पैरावलय होता है, मतलब परवलय होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे परवलय, ठीक है ना, पैराबोला। अगला है 16 नंबर, कहा गया है मैं आप लोगों को यहाँ पे लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा, डिटेल्स में बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, ताकि एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं रहे आप लोगों को, ठीक है ना। 16 नंबर देखते हैं कि यदि बहुपद x² - x + 5 के सुनकों का योग 7 है तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान यहाँ पे निकालना है हम लोग को दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 है ना, 7। 5x² + 6x³ + 8 में बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा, तो मैक्सिमम घात हम लोग को बताना है तो 3 होगा। y अक्ष से बिंदु 3.5 की दूरी कितना होगा, तो y अक्ष से पूछा गया है तो x का मान बताना है 3 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये देखो ना 3.5 है तो ये x और y है, जब y का मान पूछा जाएगा y अक्ष से दूरी तो x का मान बतानी है, जब x अक्ष से दूरी पूछा जाएगा तो y अक्ष का मान बताना है, यहाँ पे y अक्ष से पूछा गया है तो x का मान बताना है 3। सिंपल प्रश्न रहते हैं दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक भी यहाँ पे समझना पड़ेगा। 19 नंबर है कि मूल बिंदु के नियामक निम्नलिखित में से कौन है, तो मूल बिंदु के नियामक कितना आपका 0.0 हो जाता, तो ऑप्शन नंबर 19 का बी। 20 नंबर है दोस्तों कि एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं, तो एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, तो एक्स कोमा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का ए। 21 नंबर है कि बिंदु 3.4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो प्रथम चतुर्थांश में, इसका बीच की दूरी पूछा गया है दोस्तों, तो बीच का दूरी यहाँ से हम लोग निकालेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 3, 3² + 4² कितना हो जाएगा आपको रूट अंडर में, तो 25 हो जाएगा, तो रूट अंडर 25 का मान 5, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी 5। अगला है 23 नंबर, कहा गया है कि 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के, तो मध्य बिंदु का हो जाएगा 0, 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं x1 + x2 अब बाई 2 निकालते हैं ना, y1 + y2 / 2 मध्य बिंदु जब भी निकालते हैं तो इस तरह का फार्मूला हम लोग को यूज करना होता है। 24 नंबर है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9:16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे त्रिज्या निकालना है ना, तो त्रिज्या बराबर 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, तो त्रिज्या का दोगुना होता है ना व्यास, तो दोगुना कर देंगे तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला है 26 नंबर की प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं का मान सम पूछा गया, तो 2, 4, 6, 8, 10 सभी को जोड़ के 5 से भागा दे तो 6 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1, 2, 3 का माध कितना होगा, तो 2 होगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, 2 ही होगा ना, 3, 2, 5, 1, 6, 6/3 तो 2 होगा। ए बी सी का माध कितना होगा, तो ए बी सी का माध यहाँ पे बहुत सारे छात्र बी लगा देंगे, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, बीच वाला माध नहीं यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि ए के जगह पे कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे।
29 नंबर है कि दो अंकों की माध्य 10 है, तो एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या कितना होगा? तो भाई दूसरी संख्या 5 न होगी, क्योंकि एक संख्या अगर 15 है तो 15 में 5 जोड़ेंगे, दो से भाग देंगे तभी तो 10 आएगा ना। ऑप्शन नंबर एक के साथ चलेंगे। 1.65 कौन सी संख्या? तो परिमेय संख्या है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 1/9 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है। दो वृत्तों की परिधियाँ यहाँ पे 3:4 में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात किस रूप में होगी? तो 3:4 में ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी को एग्जाम्स में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आप लोगों को अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाता हूँ दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है? इसको आप लोग को ध्यान से रखना है, ठीक है? मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ ऑब्जेक्टिव भी, थोड़ा सा यहाँ से धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप रोक के वीडियो को रोक के देख सकते हो कि किस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है? मैं 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे हल किया हूँ आप लोगों को 30 से 35 के बीच में, और बाकी सारे क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे हल कर सकते हो दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले इसको तैयारी कर लो, ठीक है ना? जैसे देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई स्क्वायर थीटा बाय 360। बहुत सिंपल को सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। देखो रैखिक बहुपद का शून्य की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो रैखिक बहुपद में केवल और केवल एक होता है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सा नहीं है? तो ये 9 है। काफ़ी सिंपल सिंपल प्रश्न है जो आप लोगों को यहाँ से आसानी से बनते हुए चले जाएंगे, ठीक है? देखो 10-60 डिग्री का मान पूछा गया, कितना सिंपल, ठीक है ना? तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे बनाने हैं। चलिए अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख लो, इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है? वीडियो को रोक के आप लोग यहाँ से पढ़ लो। चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने मैथ्स के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके बताए आंसर की के रूप फॉर्मेट में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके बताना आप लोगों का एग्जाम्स कब है और हो चुका या फिर नहीं, ठीक है ना? या फिर सेम क्वेश्चंस था, ये सारे आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे दोस्तों लिंक वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।